गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रुपेश कुमार, आप सभी को मेरे चैनल एग्जाम बिटमार्क में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हम नया चैप्टर लेकर आया हूँ, बहुपद। ये बहुपद से एक नंबर का प्रश्न पूछता है कि बहुपद को पहचाने, बहुपद को पहचाने। तो चलिए इसको देखें। बहुपद की पहचान के लिए निम्नलिखित शर्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका निम्नलिखित शर्त होना चाहिए। क्या क्या शर्त होना चाहिए? पहला शर्त देखिए, ये जो होता है चर संख्या। क्या होता है? चर संख्या। चर संख्या हम किसको कहेंगे? एक्स बाई जेड, ये संख्या को हम चर कहेंगे। की घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, यानी कि प्लस होना चाहिए। की घात धनात्मक होना चाहिए। दूसरा देखिए, चर संख्या का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, चर संख्या का घात भिन्न में, यानी कि a बटे b के रूप में, भिन्न में कहने का मतलब हुआ a बटे b के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्त आप लोगों को आता है तो आपसे पहचानने के लिए बन जाएगा। अगला शर्त देखिए, चार नंबर, चर संख्या का घात अंडर रूट में हो। किसमें? अंडर रूट में हो, यानी कि अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट में है तो वो नहीं होगा। अगला देखिए पॉइंट, चर संख्या 1 बटे, यानी कि 1 बटे नहीं हो, इस रूप में नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/x रहेगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट, कहते हैं घात आरोही अवरोही क्रम में हो। घात जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या ये बहुपद हो सकता है? ये तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये लगी है भिन्न में, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या ये बहुपद होगा? इसमें ये ध्यान रखना है कि एक ही चर होना चाहिए, इसमें बाई है तो बाई होना चाहिए। देखिए ये बाई जो है अंडर रूट में है, तो ये भी बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। क्या दो बहुपद हो सकता है? देखिए इस क्वेश्चन ले सकते हैं, 2 × 0/2, मतलब यहाँ पर लिख दिए इस तरह से, 2 तो 2 है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 × x² लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से देख लिए, एक मतलब 0x² + 0x + 2 इस रूप में है तो बहुपद है। इसको क्या मान लेंगे? बहुपद है। अगर खाली 2 भी है संख्या तो बहुपद मानेंगे। अगला देखिए, ये बहुपद है। देखिए x ये अंडर रूट में नहीं है, ये भी अंडर रूट में नहीं है, तो ये बहुपद हो जाएगा। इसको देखिए, हम क्या कहें, चर संख्या जो होना चाहिए अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, तो चर संख्या अंडर रूट में नहीं है तो ये बहुपद है। अगला नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला नेक्स्ट, क्या ये बहुपद है? ये अंडर रूट में है, ये पूरा क्या अंडर रूट में है, तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, पावल धनात्मक है, बहुपद है। ये बहुपद है, पावल धनात्मक है, बहुपद है। अगला देखिए, क्या ये बहुपद है? ये है, ये है, लेकिन ये भिन्न में है पावर। क्या है? चर संख्या पावर भिन्न में है तो ये घात, मतलब बहुपद नहीं होगा। अब देखिए, ये एक पॉइंट हम बताए थे कि अंडर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, क्या ये बहुपद होगा? देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² + 64 का वर्गमूल 8 x² का वर्गमूल 1 + 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इसको भूल कभी गलत नहीं कीजिएगा, ये बहुपद होगा। ये क्या होगा? बहुपद होगा, यानी कि कहने का मतलब होगा, जो अंडर रूट में है उसका अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो वह बहुपद होगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो बहुपद नहीं होगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज आपका एक नंबर प्लस हो गया है। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी बिहार बोर्ड में 75+ अंक आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।